गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन के अंधकार में अपने ज्ञान के प्रकाश से हमें राह दिखाने वाले हमारे गुरु ही तो होते हैं, और आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं गुरुग्राम के एक प्राइवेट स्कूल गुरुकुल की कहानी, जहां फिजिक्स पढ़ाने आए नए नए गुरुजी पांडे जी। अजी, जैसे धरती का 71% हिस्सा पानी से ढका होता है, हमारे पांडे सर का चेहरा भी 71% मूछों और दाढ़ी से ढका हुआ था। 6 फीट लंबे, काफी चौड़े पांडे सर दिखने में तो काफी सख्त थे, मगर अंदर से मोम की तरह नरम। तो जैसे ही वो क्लास में आए, सभी बच्चे उठकर बोले, सभी स्टूडेंट्स ने खड़े होकर गुड मॉर्निंग विश किया और पांडे सर ने शुरू की अपनी फिजिक्स की क्लास। पांडे सर अटेंडेंस लेकर बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करते थे। क्लास में आते ही खाली सीट्स गिन लेते थे और उसी से अंदाजा लगा लेते थे कि कौन कौन एब्सेंट है। और इस नए स्कूल में जैसे ही उनका ट्रांसफर हुआ, क्लास के सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट मंगवाकर उन्होंने पहले ही सभी के नाम याद कर लिए। पहले दिन से ही पांडे सर हर स्टूडेंट को उनके नाम से पुकारते थे, ताकि स्टूडेंट्स के साथ एक बॉन्ड बिल्ड कर सके। पांडे सर के पढ़ाए स्टूडेंट्स जब भी किसी बस या ट्रेन से ट्रैवल करते, तो वो अक्सर टिकट में लिखे डिस्टेंस को जर्नी में लगा टाइम से डिवाइड करके बस या ट्रेन की स्पीड और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते देखे जाते थे। आज की क्लास में सर ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और शुरू किया समझाना। क्लास के सभी स्टूडेंट्स पांडे सर की बातों को ध्यान से सुन रहे थे, सिवाय आयुष के। जहां सारी क्लास पढ़ाई में बिजी थी, आयुष बड़े ही मजे से खिड़की से बाहर देख रहा था और मंद मंद मुस्कुरा रहा था। आयुष को देखकर पांडे सर बोले, आयुष आयुष ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मगर आयुष का ध्यान हो तो सुनेगा ना। आयुष के साथ बैठे मनीष ने कसक कोनी मारी, तब एहसास हुआ आयुष को कि पूरी क्लास और सर उसे ही देख रहे थे। पांडे सर ने बड़े आराम से पूछा, बेटा आयुष, क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ तुम्हारी समझ में आ रहा है? कुछ समझे बिना ही आयुष ने हाँ में सर हिला दिया। सर बोले, अच्छा तो यहाँ आओ और समझाओ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये सुनकर आयुष को अपनी और न्यूटन दोनों की नानी याद आ गई। सामने आकर वो स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरह खड़ा हो गया। उसे तो ये तक ठीक से याद नहीं कि ये नए गुरुजी फिजिक्स पढ़ा रहे थे या मैथमेटिक्स। जब आयुष ने कुछ जवाब ना दिया, तो उनके पास पहुंचकर पांडे सर ने अपना हाथ उठाया और सोचकर आयुष ने अपने हाथ को अपने गालों पर रखा कि थप्पड़ पड़ने ही वाला है। इतने में पांडे सर ने अपना हाथ धीरे से आयुष के सर पर रखा और कहा, क्या हुआ आयुष बेटा, घर पे सब ठीक है? तुम्हारा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा? कोई टीचर इतना अच्छा भी हो सकता है? आयुष को तो यकीन नहीं हुआ, क्योंकि पढ़ाई में कमजोर होने के कारण या तो सभी टीचर्स उसे पीटते आए हैं या फिर इग्नोर करते आए हैं। आयुष बोला, नहीं सर, सब ठीक है सर। सर बोले, तो फिर पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा तुम्हारा? आयुष बोला, पता नहीं सर, जब भी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ ना, नींद आने लगती है, फिजिक्स तो कभी समझ में नहीं आया। सर ने फिर पूछा, अच्छा तो ये बताओ तुम्हारी हॉबी क्या है, वो क्या है जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है? आयुष अपना सर खुजाने लगा, सोच रहा था कि तभी उसका बेस्ट फ्रेंड बोला, अरे सर, इसे तो बस खाना पसंद है। पूरी क्लास हंस पड़ी, साथ में पांडे सर भी हंसे। लेकिन फिर आयुष बोला, सर मुझे ना फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैं ना खिड़की से बाहर ग्राउंड में ना स्टूडेंट्स को खेलते हुए देख रहा था। मैं ना रोज शाम को ग्राउंड में फुटबॉल खेलने जाता हूँ। पांडे सर बोले,
ठीक है आयुष बेटा, तो आज मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ फुटबॉल खेलने। और शाम होते ही पहुंच गया आयुष फुटबॉल ग्राउंड। स्कूल भले ही लेट आता हो आयुष, मगर ग्राउंड वो हमेशा टाइम से पहले पहुंच जाता है। ग्राउंड में पांडे सर को देखते ही आयुष एक्साइटेड होकर बोला, आइए सर खेलना शुरू करते हैं, ये मेरा गोल और वो आपका। पांडे सर बोले, खेलेंगे आयुष, जरूर खेलेंगे, मगर पहले इधर आओ, बैठो मेरे पास। फुटबॉल ग्राउंड के किनारे ही एक पेड़ की छांव में बैठ गए पांडे सर और अपने बैग से निकाल ली फिजिक्स की किताब। बुक देखते ही चौंकते हुए बोला आयुष, सर हम यहाँ फुटबॉल ग्राउंड में पढ़ाई कैसे करेंगे? पांडे जी मुस्कुराकर बोले, अरे भाई क्लास में तो तुम पढ़ते नहीं, यहीं पढ़ लो, वैसे भी तुम्हारा ये फुटबॉल फिजिक्स ही तो है। आयुष फिर से कंफ्यूज हुआ, बोला, वो कैसे सर? फुटबॉल को सामने रखकर पांडे सर बोले, देखो आयुष, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एन आउटसाइड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। मतलब ये बॉल अगर यहां रखी है तो ये तब तक यहां रखी रहेगी जब तक कोई इसे किक नहीं करता, और अगर ये बॉल मोशन में है तो वो तब तक मोशन करती रहेगी जब तक कोई प्लेयर उसे रोकता नहीं। बस इतना ही तो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये सुनकर आयुष की आंखें चमक उठी। फिजिक्स, जिसे समझना आयुष को इम्पॉसिबल लगता था, वो इतना आसान भी हो सकता है, ये तो कभी उसने सोचा ही नहीं था। फिर एक एक करके पांडे सर ने आयुष को न्यूटन का सेकेंड और थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ा दिया, और फिर अपने वादे के मुताबिक आयुष के साथ ग्राउंड में फुटबॉल भी खेला। अगले कुछ दिनों तक पांडे सर यूं ही आयुष को ग्राउंड में पढ़ाने लगे और उसके फिजिक्स के बेसिक्स को क्लियर कर दिया। एक बार बेस क्लियर हो गया तो क्लास में ही पढ़ने में मन लगने लगा आयुष का। खुशी से आयुष भी बोला, गुरुजी तुसी ग्रेट हो। इस नए स्कूल में आते ही पांडे सर ने सभी स्टूडेंट्स के पिछले क्लासेस की रिपोर्ट्स चेक करी थी। उन्हें अंदाजा था कि आयुष पढ़ाई में जरा वीक है, मगर पांडे सर के पढ़ाने के बाद अब वो भी एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर करने लगा, क्योंकि पढ़ाई उसके लिए अब सिर्फ बोझ नहीं थी, अब वो चीजों को रटने के बजाय समझने लगा था, एंजॉय करने लगा था। बस यही तो फर्क होता है एक आम टीचर और एक गुरु में। टीचर सिर्फ किताब में लिखे फैक्ट्स पढ़ाते हैं, मगर एक अच्छा गुरु उन फैक्ट्स को जिंदगी में अपनाना सिखाते हैं। एक गुरु चाहे तो अपने शिष्य की जिंदगी बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। हमें गर्व है कि हमारे भारत में कई ऐसे महान गुरु हुए हैं जिनसे शिक्षा प्राप्त कर उनके शिष्यों ने इतिहास रचा है। तो M&M टॉकीज के लिसनर्स, गुरु पूर्णिमा के इस पावन मौके पर आप भी अपने ऐसे गुरुओं को जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से बनाया है आपकी जिंदगी को बेहतर, फॉरवर्ड कर दीजिए ये कहानी और उनके चरण स्पर्श कर ले लीजिए आशीर्वाद।